घूमते हुए अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि आवाज एक लकड़ी के बक्से से आ रही है। पापा सन ने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें एक प्यारा सा विदेशी बच्चा था। शायद ये बक्सा तैरते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। तब पापा सन उसे गोद लेकर अपने घर ले आया और उसका नाम रखा इक्की। इसके 16 साल बाद हम देखते हैं कि इक्की बड़ा हो गया था और अब वो दुकान में अपने पिता की मदद करता। इक्की काफी गोरा था और बाकी सबसे एकदम अलग दिखता था, इसीलिए उसकी उम्र के बच्चे कभी उससे दोस्ती नहीं करते थे। खैर, फिर एक दिन इक्की सामान लेने के लिए बाजार गया तो उसे मार्शल आर्ट्स के कुछ खिलाड़ी दिखे जो सबके सामने अपने अनोखे कर्तव्य दिखा रहे थे। तभी इक्की की नजर एक खूबसूरत लड़की किमी पर पड़ी जो कि एक बेहतरीन योद्धा भी थी। उसके कर्तव्य देखने के बाद इक्की उसका पीछा करता हुआ उनके डोजो तक पहुंच गया जहां कई बच्चे खतरनाक निंजा टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें देखकर इक्की के मन में भी निंजा बनने की इच्छा जागी। फिर जब वो वहां के मास्टर से मिला तो इक्की का इम्तिहान लिया गया जिसमें उसे निंजा ब्लेड से निशाना लगाना था। मगर इक्की तो बिल्कुल ही कच्चा खिलाड़ी था और उसका फेंका हुआ ब्लेड किमी को लगता लगता रह गया। अब वो शर्मिंदा होकर लौट रहा था कि अचानक मास्टर साबू को उसकी टांग पर एक अनोखा निशान दिखाई दिया। फिर साबू ने कई प्राचीन कागज देखे और आखिरकार उसे पता चला कि ये निशान तो डांसिंग निंजा का है। उधर घर लौटते हुए इक्की की नजर एक डांसिंग मशीन पर पड़ी। उसने वहाँ डांस करने की सोची पर वो गाने की बीट्स पकड़ नहीं पा रहा था। मगर जल्द ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और वो ज्यादातर समय यहीं डांस करते हुए बिताने लगा। इसके साथ उसने बार बार निंजा ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की कोशिश की पर हर बार मास्टर ने उसे सिखाने से मना कर दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए और इक्की डांस मशीन पर प्रैक्टिस करते करते जबरदस्त डांस करने लगा। अब वो कई मुश्किल स्टेप्स बड़ी आसानी से कर लेता था मगर निंजा बनने की दौड़ में वो अब भी काफी पीछे था। खैर, एक दिन इक्की को डांसिंग निंजा की कहानी के बारे में पता चला तो उसने मास्टर साबू से इसके बारे में पूछा। इक्की ने कहा कि वो भी डांसिंग निंजा बनना चाहता है पर ये सुनकर मास्टर साबू हंसने लगा। उसने कहा कि डांसिंग निंजाज बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनके अंदर हमेशा सीखने की आग रहती है जिससे वो कड़ी ट्रेनिंग पर मेहनत कर पाते हैं। फिर मास्टर साबू ने उसे डांसिंग निंजाज की एक टेक्निक करके दिखाई जिसमें उसने अपने शरीर को ऐसे घुमाया कि उसके बिना छुए चावल का बाउल अपने आप हिलने लगा। फिर उसने इक्की से कहा कि उसमें डांसिंग निंजा बनने वाली कोई खासियत नहीं है। दरअसल मास्टर जानता था कि इक्की अपनी असलियत को पहचान नहीं पा रहा, इसीलिए अगर वो अपनी काबिलियत को पूरा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे किसी औरत को अच्छे से जानना चाहिए। खैर, बाद में जब इक्की उदास होकर सड़कों पर घूम रहा था तो अचानक कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करने लगे। इक्की किसी से लड़ना नहीं चाहता था इसीलिए वो जाने लगा पर उन लड़कों ने इक्की पर हमला कर दिया। तभी अचानक इक्की डांस करते हुए जबरदस्त पंचेस से इन बदमाशों को मजा चखाने लगा। उसका अजीबोगरीब लड़ने का स्टाइल देखकर उन बदमाशों की भी पैंट गीली हो गई। वो इक्की को मास्टर मास्टर कह के पुकारने लगे और उन्होंने कहा कि सर हमें भी ये टेक्निक सिखा दो। जल्द ही इक्की उनके साथ मिलकर डांस करने लगा और सबने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। वहीं दूसरी ओर हम एंसल नाम के एक अमेरिकन स्टार और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टल को देखते हैं जो मास्टर साबू से मिलने जा रहे थे। असल में एंसल ने मास्टर साबू से ही निंजा टेक्निक सीखी थी पर अब वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। खैर, अब वो मास्टर साबू से एक प्राचीन कागज लेने आया था जिसके जरिए वो टीवी चैनल्स के मालिकों पर दबाव बनाकर अपना फाइट शो शुरू करने वाला था। मगर मास्टर साबू ने चंद पैसों के लिए वो प्राचीन कागज देने से साफ इनकार कर दिया। इससे एंसल को काफी गुस्सा आया और वो मास्टर को एक मशीन पर बांध कर उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। लेकिन मास्टर की ताकत के सामने ये मशीन भी नहीं टिक पाई। उससे आजाद होकर मास्टर ने एंसल पर हमला कर दिया। जब क्रिस्टल ने देखा कि एंसल अकेले तो मास्टर को कभी नहीं हरा पाएगा तो उसने अपने निंजा ब्लेड से मास्टर पर हमला कर दिया। वहीं एंसल ने बंदूक निकाली और मास्टर पर गोली चला दी। इसके बाद वो दोनों प्राचीन कागज चुरा कर भाग निकले। इसके कुछ समय बाद इक्की वहाँ आया तो उसने देखा कि मास्टर साबू बुरी तरह जख्मी था। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने इक्की को बताया कि एंसल अपने स्वार्थ के लिए निंजा होने का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस सब से इक्की को इतना गुस्सा आया कि उसने मास्टर साबू की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। उसने उसी शाम अपना सामान बांधा और अपने माँ बाप को अलविदा कहकर अमेरिका के लिए निकल पड़ा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर साबू तो स्वर्ग पहुंचकर सुंदर लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था लेकिन फिर भी वो नादान इक्की के लिए थोड़ा परेशान था, इसीलिए उसने ध्यान लगाकर अपनी सबसे बेहतरीन स्टूडेंट किमी से संपर्क किया और उसे इक्की का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर एंसल फाइटिंग चैनल के ऑफिस पहुंचा। वो जल्द ही टीवी पर अपना शो लाने वाला था मगर उसके मालिक गार्लैंड जोन्स को एंसल के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि एंसल पागल हो चुका है। मगर ये सुनकर एंसल को इतना गुस्सा आया कि उसने गार्लैंड पर हमला कर दिया। एंसल ने उसे तब तक पीटा जब तक वो उसे शो देने के लिए राजी नहीं हो गया।
वहीं कई घंटे का सफर करके इकी अमेरिका आ गया और एक होटल में पहुंचा। फिर अगले ही दिन से वो अपने बदले का प्लान बनाने लगा। सबसे पहले उसे एंसल तक पहुंचना था, इसीलिए उसने थोड़ी छानबीन के बाद एंसल के घर का पता ढूंढ निकाला, लेकिन गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। इकी ने उसे समझाया कि वो वहाँ बहुत जरूरी मकसद से आया है, पर गार्ड ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। तब इकी ने अपने निंजा मूव से गार्ड की पैंट उतार दी और सीधा अंदर घुसाया। सब लोग गार्ड को देखकर हंस रहे थे कि तभी क्रिस्टल की नजर इकी पर पड़ी और वो तुरंत समझ गई कि ये लड़का साबू के स्कूल से आया है। उसने अपने निंजा ब्लेड से इकी पर हमला कर दिया, पर किमी ने ऐन वक्त पर वहां आकर उसकी जान बचाई। जल्द ही कई गार्ड्स उन पर हमला करने आए तो उन दोनों ने मिलकर अपने जबरदस्त डांस और निंजा मूव से सबकी हड्डी बसली एक कर दी। फिर इकी ने एंसल पर कुछ चॉपस्टिक्स से हमला किया, मगर क्रिस्टल ने फिर उसकी जान बचा ली। इससे पहले कि मामला खराब होता, किमी इकी को वहाँ से बाहर ले आई, क्योंकि ये बदला लेने का सही समय नहीं था। बाद में क्रिस्टल ने एंसल को बताया कि उसे शक है कि इकी अपने मास्टर की मौत का बदला लेने आया है। क्रिस्टल ने बताया कि इकी ने अपने डांस मूव्स और निंजा टेक्निक्स को मिलाकर एक अनोखा ही फाइटिंग स्टाइल बना लिया है। ये सुनते ही एंसल काफी घबरा गया, क्योंकि उसे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। उसने बताया कि जब वो 9 साल का था तो उसकी माँ उसे एक जोशी के पास लेकर गई थी, जिसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक डांसिंग निंजा उसकी मौत का कारण बनेगा। अब एंसल बहुत डर चुका था, इसीलिए उसने क्रिस्टल को कैसे भी करके इस लड़के को खत्म करने को कहा। उधर इकी और किमी होटल पहुंचे तो इकी ने उसे भी इसी होटल में कमरा लेकर रहने को कहा, पर किमी ने कहा कि वो उसके कमरे में ही रह लेगी। ये बात सुनते ही बेचारे इकी को लगा कि किमी भी उससे प्यार करने लगी है। बाद में जब किमी नहा रही थी तो इकी कमरे में मोमबत्तियां जलाकर और फूल बिछाकर माहौल बनाने लग गया। पर जब किमी काफी देर तक बाहर नहीं आई तो इकी ने ध्यान लगाया और दूसरी दुनिया में उससे मिला। वहां उसने देखा कि किमी जकूजी में नाबू नाम के एक लड़के के साथ थी। जब नाबू ने इकी को देखा तो उसने उसे धक्का देकर असली दुनिया में वापस भेज दिया। इससे बेचारे इकी का दिल बहुत गंदा टूट गया और उसने सारी सजावटें हटा दी। कुछ पलों बाद जब किमी बाहर आई तो उसने इकी को समझाने की कोशिश की, पर इकी ने कहा दुनिया में उससे मिला। वहां उसने देखा कि किमी जकूजी में नाबू नाम के एक लड़के के साथ थी। जब नाबू ने इकी को देखा तो उसने उसे धक्का देकर असली दुनिया में वापस भेज दिया। इससे बेचारे इकी का दिल बहुत गंदा टूट गया और उसने सारी सजावटें हटा दी। कुछ पलों बाद जब किमी बाहर आई तो उसने इकी को समझाने की कोशिश की, पर इकी ने कहा कि सब ठीक है, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, और फिर वो आगे की तैयारियां करने चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इकी छानबीन करके गार्लैंड के ऑफिस पहुंचा और उसने गार्लैंड को समझाया कि उनका दुश्मन एक ही है, इसीलिए उन्हें मिलकर एंसल का मुकाबला करना चाहिए। इस दौरान इकी की नजर गार्लैंड की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि ये तो उसके असली पिता है। जब इकी ने उसे डैड कहकर पुकारा तो गार्लैंड ने तुरंत उसके पैर का निशान देखा और वो समझ गया कि इकी ही उसका बेटा है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के गले लगकर भावुक हो गए। फिर गार्लैंड ने इकी से अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। खैर, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि उन्हें एंसल का पर्दाफाश कैसे करना है। जैसे ही वो दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो अचानक क्रिस्टल और उसके गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। गुंडे उन पर हमला करके उन्हें पूरी तरह पीटने लगे। जल्द ही किमी उन्हें बचाने आई, पर अंत में गुंडे गार्लैंड को अगवा करके फरार हो गए। क्रिस्टल ने किमी को धमकी दी कि वो गार्लैंड को तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक इकी अपने देश वापस नहीं लौट जाता। इसके बाद इकी और किमी ने कमरे में जाकर आगे के प्लान के बारे में सोचा। तभी अचानक इकी को अपने मास्टर के शब्द याद आए। उन्होंने कहा कि एक औरत को जानना ही उसे अपनी असलियत से मिला सकता है, इसीलिए अब इकी ने किमी से उसे चूमने की इजाजत मांगी ताकि वो अपने पिता की लोकेशन पता कर सके। पहले तो किमी थोड़ा हिचकिचाई, पर उसने इकी को इजाजत दे दी। जैसे ही इकी ने उसे छुआ तो उसे दिखाई दिया कि उसके पिता कहाँ कैद हैं। इसके बाद वो दोनों तुरंत उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि गार्लैंड को एक टाइम बॉम्ब से बांधा गया था जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। गार्लैंड ने उन्हें बताया कि आज से एंसल का चैनल चालू होने जा रहा है और उसने हर जगह बॉम्ब्स लगाए हैं क्योंकि उसके शो में कई मशहूर स्टार आने वाले हैं और एंसल उन सबको मारकर खुद टीवी का स्टार बनना चाहता है। अब उसने इकी और किमी को उन सबकी जान बचाने को कहा। इकी अपने पिता को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, मगर अब कई लोगों की जान खतरे में थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो अचानक क्रिस्टल के आदमियों ने उन्हें वहां कैद कर लिया। इसके बाद उन्हें ट्रक में बंद करके कहीं भेज दिया गया। रास्ते में किमी ने इकी को अपनी निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने को कहा। इकी ने कोशिश तो काफी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब किमी ने अचानक उसे चूम कर अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर इकी बेहद खुश हुआ और अचानक उसकी शक्तियाँ फिर से बढ़ गई। अब की बार वो जाल से आजाद होकर भाग निकले और वापस शो पर पहुंचे।
जब उनका सामना एंसल से हुआ तो वो कहने लगा कि आज सबको बम से उड़ा दूंगा। पर तभी इकी ने अपने निंजा डांस मूव से सारे बम बाहर निकाल लिए और उन्हें आसमान में फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाके होने लगे। कुछ ही पलों में कई गुंडों ने उन पर हमला कर दिया, पर अब इकी एक जबरदस्त डांसिंग निंजा बन चुका था। उसने अपने डांस और निंजा टेक्निक्स को मिलाकर गुंडों को खूब धोया। इस दौरान एंसल ने अपने हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश की, तब इकी ने तुरंत एक बॉम्ब सीधा उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर ही फेंक दिया, जिससे हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। अचानक हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो गया, जिसमें एंसल की मौत हो गई। आखिरकार इकी और किमी ने